तो इस वीडियो में हम जानेंगे लद्दाख का इतिहास और उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लद्दाख भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत है। लद्दाख कोई लंबे समय से भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, बल्कि यह भारत का हाल ही में बनाए केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि भारत सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए जानते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ी कुछ रोचक बातें। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख के दो जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख की जनसंख्या 274,289 है 2011 के जनगणना के अनुसार, और क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ प्रमुख भाषाएं जो बोली जाती है उनमें हिंदी, लद्दाखी, तिब्बती प्रमुख है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई है। दोस्तों इस तरह के और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।